क्या हुआ? तुझे मेरे साथ सेल्फी नहीं लेनी? नहीं। अरे लेकिन क्यों? सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो फोटोज देख के मुझे याद आता है कि मेरे पास कोई नहीं है। पहले विनय, फिर मामा और अब साक्षी मैम। और देखना, एक दिन तुम भी चले जाओगी। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्या हुआ? और साक्षी मैम किधर गई? कल ही तो तू उनके घर पिज्जा पार्टी पे गया था ना? नहीं, कोई पार्टी नहीं हुई। साक्षी मैम मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है। और अब मैं तुमसे भी दूर रहूंगा, क्योंकि लास्ट में तो मुझे सबसे दूर ही होना है। दूर ही होना है? एक खींच के लगाऊंगी ना, सारी बकवास करना बंद कर देगा। और एक तू ही नहीं है जिसे लोग छोड़ के जाते हैं। तेरे पास तो तेरे डैड हैं, कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। और तुझे किसने कहा कि साक्षी मैम तुझे पसंद नहीं करती? कल वहाँ पे एक ओल्ड आंटी थी, वो मुझ पर चिल्लाई और उन्होंने कहा कि साक्षी मैम से दूर रहूँ। साक्षी मैम को मुझसे मिलना ही नहीं था, इसलिए वो कल अपने घर पे थी ही नहीं। क्या? नहीं, साक्षी मैम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा किया उन्होंने? लगता है गलती मेरे अंदर है, सब मुझसे दूर चले जाते हैं। ए, कितना रोंदू है रे तू। और प्लीज खुद को बुरा बोलना बंद कर, वरना बहुत पिटेगा तुम्हें से। चल आ जा, साक्षी मैम से मिल के आते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि बात क्या है। उनका ऑफिस लॉक है, मैं स्कूल नहीं आई। हाँ मुझे पता है वो कहाँ होंगे। चल आ जा। मैम आपके पास 3 घंटे हैं, आपका जो भी बचा हुआ सामान है 3 घंटे के अंदर यहाँ से ले जाएगा। आयशा या तू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप कहीं जा रहे हो मैम? यथू, मुझे ये स्कूल और स्टाफ क्वार्टर्स खाली करने का ऑर्डर आया है। मुझे अपने लिए नया घर और नई जॉब ढूंढनी है। आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ और यथू, आप स्ट्रॉन्ग बॉय, आपको इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होना है। ओके ये ऑर्डर प्रिंसिपल मैम का आया है? नहीं बेबी, ये ऑर्डर तो ऊपर से आए। लेकिन मेरे नानू के ऊपर तो कोई नहीं है, और वो स्कूल के फाउंडर है, वो ऐसे ऑर्डर क्यों देंगे? ये तो मुझे नहीं पता बेबी। ये तो चल मेरे साथ, पता तो लगा है कि ये ऑर्डर आए कहाँ से हैं। मैम आप कहीं मत जाना, हम अभी आए, आप प्लीज हमारा वेट करना। वेट 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 मैम, ये आपके लिए। एक मिनट। हाँ कल रात के लिए सॉरी है तू, कल मुझे। मैम आप हमारे घर पे वेट करो, हम जल्दी से आ जाएंगे। ओके हेलो मिसेस वर्मा, आपकी मदर इन लॉ को होश आ गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, वो आपके बारे में पूछ रही है। जी मैं अभी आती हूँ। मैम आप साक्षी मैम को ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ये क्या तरीका है? Did you ask for my permission? तुम मेरे ऑफिस के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हो और मुझसे इस टोन में बात नहीं कर सकती तुम? नानू, नानू, नानू उठो।
कौन है? कौन? आयु, ये क्या किया? आपने वैभव कपूर की बात क्यों सुनी? क्यों निकलवाया आपने साक्षी मैम को स्कूल से? मेरे फ्रेंड यथार्थ को कितनी जरूरत है उनकी? For your assistance, Mr. Singh. आपने काम काबिली तारीफ किया है। Thank you, ma'am. इस स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशंस के इंचार्ज कौन है? मैम, मैं। आप यथार्थ को स्कूल के हर स्पोर्ट्स में एनरोल कीजिए एंड मेक श्योर कि वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करे, जैसे मैथ्स ओलंपियाड, स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन, एवरी कॉम्पिटिशन। और अगर वो आनाकानी करे तो जस्ट लेट हिम नो कि उसकी मामा ने इंसिस्ट किया है। Just a minute. ये लीजिए, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जरूरत है वो खरीद लीजिए। And please, don't buy those cheap stuff. After all, यथार्थ मेरा बेटा है, कपूर कंस्ट्रक्शंस की CEO का बेटा। Got it? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, मुझे आपको कुछ बताना है। Excuse me, आप लोग जरा बाहर वेट कीजिए। मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हस्बैंड की भेजी हुई ईमेल को कंसीडर कर रहे हैं और हमसे कहा गया है यथार्थ वाजपेयी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी नया फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। What? लेकिन यथार्थ का एडमिशन स्कूल में मैंने करवाया है, उसकी फीस भी मैं ही भरती हूँ, तो वो स्कूल में क्या करेगा ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी। तुम्हारी हर बात पैसों पे ही आके खत्म हो जाती है ना। तुम्हारी ममता भी ना स्कूल की फीस जमा करने तक ही सीमित है, समझी मिस आकांक्षा? अब खैर, लास्ट नेम तो तुम्हें भी शायद नहीं पता होगा अपना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।